जेडीयू के बगावती सुर बुलंद करने वाली पार्टी उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। प्रशांत किशोर और पवन वर्मा पर जेडीयू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है, जिसके साथ ही दोनों को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पवन वर्मा और उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर के हालिया कदमों को लेकर सख्ती दिखाई थी। पवन वर्मा ने जहां दिल्ली चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर सवाल उठाया था, वहीं चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर CAA, NRC और NPR के मसलों पर लगातार ट्वीट कर चर्चा में आ गए थे। नीतीश कुमार ने मंगलवार को पटना में हुई पार्टी की बैठक में प्रशांत किशोर के ट्वीट को लेकर सवाल उठाए थे। नीतीश कुमार के हमले के बाद प्रशांत किशोर ने भी तीखे लहजे में प्रतिक्रिया दी थी। नीतीश कुमार ने अपने बयान में कहा था, अमित शाह ने मुझे कहा था प्रशांत किशोर को जेडीयू में शामिल करने के लिए, तब मैंने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। पीके से पूछ लीजिए रहना है या नहीं, यदि रहना है तो पार्टी लाइन पर रहना होगा, नहीं तो जहाँ जाना है जाए, हम किसी को पकड़ कर नहीं रखते हैं। न्यूज़ डेस्क।